धौलपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश का कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। धौलपुर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर पार्टी की स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा, उनके नेतृत्व में देश मौजूदा वक्त में दर्द में जा रहा है। इस देश के अंदर रक्षा उत्पादन की संस्थाएं हैं या संस्थान हैं 41, और उसमें से तो काफी कुछ बहुत पुराने हैं। उसमें से 20 संस्थानों को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ये सरकार निजी हाथों में देने का काम कर रही है। फैसला 41ों का हो चुका है और 41 के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो इस देश की हैं, जो इस देश की सेना को गोला बारूद मुहैया कराती हैं, सौजन्य सामान मुहैया कराती हैं, वो उन लोगों ने पिछले वर्ष एक महीने की लगातार हड़ताल की थी। और कौन सा देशभक्त ऐसा होगा जो इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी निजी हाथों में देने का काम करे? लेकिन ये सरकार कर रही है। 23 PSUs हैं जिनको कि निजी हाथों में देने का फैसला इस सरकार ने किया है। कोटा युवा कांग्रेस नेता भूपेंद्र गोचर के नेतृत्व में सचिन पायलट के जन्मदिन पर कोटा ब्लड बैंक बसंत विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कोटा के युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में 205 यूनिट का रक्तदान महादान कर पायलट का जन्मदिन केक काटकर और पायलट जिंदाबाद के नारे लगाकर किए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंदन यादव ने अपने घर से कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालते हुए सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ब्लड डोनेट कैंप पहुंचे, जहां पर बढ़ चढ़कर युवाओं ने सचिन पायलट के जन्मदिन पर रक्तदान किया। तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के नाहरगढ़ पंचायत समिति के भूतिया गांव के पटवारी और सचिव के व्यवहार से परेशान गांव की सरपंच सुसरबाई जाट वार्ड पंचायतों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र में कहा गया है कि 9 महीने से जब से वो सरपंच बनी हैं, तब से लेकर अब तक पटवारी और सचिव राजनीतिक दबाव के चलते उनकी बात नहीं सुन रहे, जिसकी वजह से गांव में विकास के कार्य में बाधा आ रही है और लोगों के लिए ज़रूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने उन्हें जल्द उनकी समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। कोटा के महावीर नगर में मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन इनकी वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार शिकायत के बाद भी नगर निगम उदासीन बना हुआ है। बता दें कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से न सिर्फ महावीर नगर बल्कि पूरे कोटा शहर में मवेशी लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। नगर निगम की ओर से जहां शहर में प्रवेश करने वाले आवारा मवेशियों को शहर से बाहर रोकने के लिए चेक पोस्ट लगाए गए, उन्हें पकड़ने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, वो फिलहाल खोखले नजर आ रहे हैं। इन मवेशियों को देखकर यही लग रहा है कि नगर निगम को किसी बड़े हादसे का इंतजार है, जिसकी वजह से वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धौलपुर से एक छात्रा की कॉपी को फिर बदल करने का मामला सामने आया। दरअसल जिले के रहने वाली कक्षा 12वीं की छात्रा की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से फिजिक्स की कॉपी बदलने की खबर 4 सितंबर को दिखाए जाने के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरकत में आया। छात्रा दीप्ति की फिजिक्स विषय में 56 में से राजस्थान माध्यमिक बोर्ड ने 6 नंबर दिए थे, जबकि अन्य विषयों में छात्रा को 90% से अधिक अंक मिले। इसे लेकर छात्रा ने उत्तर कॉपी को रिटोटलिंग करवाई। छात्रा की कॉपी के रोल नंबर पर ओवरराइटिंग कर काट छाट कर दूसरी कॉपी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भेजा था। खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरकत में आया और 3 सदस्यों की टीम गठित की। जांच अधिकारियों ने मामले की गहनता से जांच कर परीक्षा केंद्र के परीक्षा संबंधी रिकॉर्ड जब्त कर लिए। बोर्ड ने कमेटी बिठाई है जो आज जोधपुर आ गई है, उन्होंने मेरे आज बयान लिए और मुझे मेरी कॉपी दिखाई है। उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसमें कटिंग की गई है और मुझे मैं खुश हूँ कि मुझे न्याय मिल जाएगा। बूंदी देई कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय
उपशाखा देही की तरफ से प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत नायब तहसीलदार देही के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शाखा मंत्री हेमराज नागर ने बताया कि कोरोना महामारी का बहाना बनाकर सरकार की तरफ से मार्च 2020 के 16 दिन के स्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया। सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली पर भी सकारात्मक नहीं है। जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। कोटा में एसओजी और एटीएस की सूचना पर कोटा शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली गुटखे और पान मसाले की खेप को बरामद किया। साथ ही मौके से एक युवक को हिरासत में ले लिया, जिसे पूछताछ की जा रही है और उसके अन्य साथियों के बारे में भी जांच की जा रही है। बता दें कि ये कार्रवाई उद्योग नगर थाना इलाके के थिगड़ा शिव सागर में की गई। आज एसओजी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। यहाँ पर नकदी विमल रॉय के कुछ पाउच बनाए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे काम चल रहा है, दो मशीनें हैं, उसमें भी कार्रवाई जारी है। बूंदी के देही कस्बे में पेंशनरों को अब दवाइयों के लिए बूंदी और नैनवा नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें देही में ही पेंशनर डायरी से दवाइयां मिलेंगी। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देही में बूंदी सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की शाखा मेडिकल खुल गई है, जिसमें पेंशनरों को डायरी से दवाइयां मिलेंगी।